CAA, NRC व NPR या कायद्याविरोधात एकता सामाजिक संस्थेच्या वतीने धरणे आंदोलन घेण्यात आले होते. त्यानंतर एकता सामाजिक संस्थेच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यास निवेदन देण्यात आले. यावेळी प्रमुखांनी लोकप्रधान चॅनलला आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली. रस्ता जाम करेंगे, हम सरकार से यही मांगने करते हैं, हमारे दो अल्फाज कहता हूँ, निवेदन दिए और उनको विनंती करे कि हमारी ये केंद्र सरकार तक हमारी बात पहुंचाओ, क्योंकि आज हमारी मुसलमानों भाई पास हिंदुओं सिख ईसाई को तो जैन को तो देंगे, उनको CAA के जरिए तो नागरिकता देंगे, लेकिन NRC के तहत में जो मुसलमान बचेंगे 80% मुसलमानों पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है. कहां से लाएगा हमारा मुसलमान भाई? 20% मुसलमानों पास डॉक्यूमेंट्स है तो कहां से लाएगा? हम जो 30 करोड़ भारत देश में 30 करोड़ मुसलमान भाई रहते हैं, तो सभी 30 करोड़ लोग तो हम ये सुप्रीम कोर्ट तक निवेदन देंगे और उनको बताएंगे ये गलत है और ये लोकतंत्र है, तुम लोगों की सुननी चाहिए. हमारे साथ में शिवसेना और शिवसेना के संगठन में जो संभाजी ब्रिगेड है, जो बाकी कितने संगठन हमारे साथ जुड़कर काम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सभी धर्म के हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, तो हम ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहिए और इसको एक कायदे को रद्द करना चाहिए, काले कायदे को रद्द करना चाहिए. इतना कहूंगा और मेरे को सब जितने लोग सपोर्ट करे मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ. जय हिंद.